स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हापुड़ में बीजेपी विधायक कमल मलिक का विरोध हुआ है और विरोध पर सभा छोड़कर कमल मलिक चले गए हैं। ग्रामीणों ने एमएलए को खरी खोटी सुनाई और सभा स्थल तक इन तमाम लोग पहुंच गए। यहां पर जाकर इन सभी लोगों ने विरोध किया। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जिसमें पानी में टहलते हुए विधायक दिख रहे हैं और नाराज लोगों ने विधायक को पानी में ही इस तरीके से टहलाया है। पदयात्रा निकाल रहे थे विधायक कमल मलिक। गढ़ मुक्तेश्वर के ढोलपुर गांव का ये मामला है। ग्राम पंचायत नानई पहुंचे हुए थे विधायक साहब और 4 साल बाद हमारी याद आई ये कहना गांव वालों का है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से विधायक हैं कमल। हापुड़ के ग्राम पंचायत नानई की जनता ने जमकर विरोध प्रदर्शन कमल मलिक का किया है। बीजेपी विधायक दरअसल कमल खिलाने की आशा में यहाँ पहुंचे हुए थे। कमल मलिक को उम्मीद थी कि कमल का स्वागत होगा, लेकिन यहां पर कुछ इस अंदाज में गांव वालों ने विरोध किया है। और गांव वालों ने यह कहा, दरअसल साफ साफ कहा कि 4 साल बाद हमारी याद आ रही है, मानसून है ही, लेकिन बारिश के इस मौसम में विधायक साहब ने शायद नहीं सोचा होगा कि ऐसी स्थिति से दो चार होना पड़ेगा। इलाके की जनता इस तरीके से सुलूक उनके साथ करेगी। देखिए विधायक जी हैं यहां पर और पानी मर चल रहे हैं, क्या करें, बिचारों ने कार्य कर्म नहीं करवाया। कमल मलिक पदयात्रा निकाल रहे थे, विधायक हैं, गढ़ मुक्तेश्वर के ढोलपुर गांव का ये मामला है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ग्राम पंचायत है यहां पर नानई, जहां पहुंचे हुए थे विधायक कमल मलिक, लेकिन किस अंदाज में गांव वालों ने देखिए इनको यहां से तकरीबन खदेड़ दिया है। देखिए विधायक जी हैं यहां पर और पानी मर चल रहे हैं, क्या करें, बिचारों ने लौट जाना पड़ा विधायक कमल मलिक को, क्योंकि विरोध इतना जबरदस्त हुआ। महिलाएं भी देखिए, महिलाओं की भी तस्वीर आप देख रहे होंगे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। कमल मलिक जनता से संवाद करने पहुंचे थे, लेकिन जनता ने विवाद कर दिया और विवाद इस अंदाज में हुआ कि विधायक कमल मलिक को यहां से उल्टे पांव इस तरीके से भरे हुए पानी से ही गुजरना पड़ा। गांव देहात में अक्सर ऐसा होता है कि जब बारिश होती है, विधायक जी हैं यहां पर और पानी मर चल रहे हैं, क्या करें, बिचारों ने कार्य कर्म नहीं करवाया। तो जब बारिश होती है अक्सर इस तरह से वाटर लॉगिंग हो जाती है, जगह जगहों पर पानी भर जाता है, जो नीची सड़कें होती हैं वहां पानी भर जाता है। अब विधायक साहब को शायद इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि उल्टे पांव लौटना होगा, इस तरीके से खदेड़ दिया जाएगा। और बीजेपी विधायक कमल मलिक इस समय खुद न्यूज वन इंडिया के साथ हैं। कमल जी, बहुत स्वागत न्यूज वन इंडिया पर आपका। सुन पा रहे हैं कमल जी आवाज मेरी? कमल जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? उनसे दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर यह सच से जो सामना कमल मलिक का हुआ है, ये वाकई उनके लिए खुद भी सदमे जैसा ही होगा। अक्सर कहा जाता है कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, तो यहां कीचड़ जरूर था लेकिन कमल खिल नहीं पाया। 4 साल बाद विधायक साहब जब पहुंचे इस इलाके में, हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से ये विधायक हैं। बीच में हालांकि कोरोना काल भी रहा तो विधायक साहब को जाना चाहिए था, अपने इलाके के लोगों से, अपनी विधानसभा पर लोगों से संवाद करना चाहिए था। कमल मलिक साहब इस समय खुद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर से विधायक हैं। कमल जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। जी जी धन्यवाद। कमल जी तस्वीरें हम देख रहे हैं और देखकर खुद हमें भी बतौर पत्रकार ग्लानी हो रही है, आपके साथ ये वाकया पेश कैसे आया, हुआ क्या वहां पर जब आप पहुंचे? आपको किस चीज से ग्लानी हो रही है? जिस तरीके से देखिए जनता ने विरोध किया कमल जी, मैं उसको बताओ, कोई जनता का विरोध नहीं है उसमें, आप उसका पक्ष, मेरा पक्ष जाने फिर उसे। बिल्कुल, इसीलिए सर आपको लाइन पर लिया। मैं अपनी विधानसभा, मेरी विधानसभा गढ़ मुक्तेश्वर है, ये बहुत बड़ा तीर्थ है, गण है, भगवान शंकर के गणों के नाम उनकी हो चुकी, मुक्ति हुई थी यहाँ, इसलिए सावन का महीना है और भगवान शिव का महीना है। इसमें मैं पद यात्रा कर रहा हूँ नंगे पैर जी, और जहाँ भी गांव के अंदर शिवालय देवालय हैं उनके दर्शन कर रहा हूँ। ओके, मेरे साथ में प्रधान पति थे जी,
गांव में अंदर बारिश हुई तो वहां पानी भर गया। उन्होंने कहा दूसरे रास्ते से चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं, इस रास्ते पर पानी क्यों भरता है इसको देखते हैं। आपको आवाज भी आ रही होगी, वीडियो में स्वयं बनवा रहा हूँ, आपको आवाज आ रही होगी, वीडियो मैंने स्वयं बनवाई है जी जी। क्योंकि मेरे साथ में प्रशासनिक, मैं उसको तुरंत प्रशासन को भेज सकूं और वहां की गंभीरता वो जान सके। क्योंकि इससे पहले भी मैं 4 साल जब रहा तो यहाँ जो प्रधान थे वो प्रधान चूंकि दूसरे प्रतिपक्ष के जो हमारे विधायक थे उनके पीए थे, मैंने उनसे इस समस्या को दूर करने के लिए, वो स्थायी समस्या है वो ठीक हो सके तो मैंने प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। अब वो प्रधान ये चाहते थे और हम वहां से निकले, देवालय था आ गए, उसके दर्शन करने गए, हमने स्वयं ने किया ये। आपने स्वयं ने तो किया कमल जी, लेकिन तस्वीरें देखने के बाद जो प्रश्न मेरे मन में है मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, और प्रश्न ये है। ठीक, आपको ठीक आया वो, तो हम क्योंकि मैं पदयात्रा पे हूँ, आगे देवालय था, उसके दर्शन करने गया, मैं स्वयं गया वहां से निकल के। लेकिन अक्सर ऐसा होता है सर, अक्सर ऐसा होता है कमल जी कि जब भी ऐसा कोई जनप्रतिनिधि, देखिए आप तो विधायक हैं, आप बड़े नेता हैं प्रदेश के, लेकिन जब भी आपके लेवल पर कोई भी नेता निकलता है तो उसके आसपास हुजूम होता है, समर्थकों का हुजूम होता है, तो आपको अकेले क्यों छोड़ दिया गया सर? मैं देख रही हूँ पीछे बहुत सारे लोगों की भीड़ है। हाँ, पानी भर रहा था ना, लोग रुक गए, हमारे सारे समर्थक वहाँ, वो दूसरे रास्ते से निकलना चाहते थे लेकिन मैं गया वहां से निकल करके। ठीक है, लेकिन लोगों की शिकायत तो इस बात को लेकर भी बाद में सुनने को मिली, शिकायत इस तौर पर भी सुनने को मिली कि आप 4.5 साल बाद वहां पहुंचे, आपने बीच में कोई सुध नहीं ली जनता की? 10 दिन 15 दिन मैं वहां के प्रधान जी से बात करी, आप इस विषय में जो प्रधान प्रधान है, आपको पता चलेगा कि मैं हर 10-15 दिन में वहां पहुंच जाता हूँ उस गाँव के अंदर। तो फिर सर ये इतना पानी जिसको लेकर, मैं 40 बार गया हूँ जी। अच्छा चलिए ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं कि आप ना, अनुमान नहीं होता जी, अनुमान नहीं होता, कोई विधायक नंगे पैर कोई अपने पदयात्रा करेगा, ऐसा अनुमान किसी को नहीं होता ना। आप देख रहे हैं उसमें जूता नहीं है मेरे पास। हाँ नहीं, वो तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं विधायक साहब, लेकिन ये पानी इतना भर क्यों गया? अगर हर 10 दिन पर आप वहां जाते हैं, तमाम व्यवस्थाओं को देखते हैं, तो फिर ये ऐसे हुआ क्यों? क्योंकि मॉनसून तो पिछले 20 दिन से चल रहा है। 4 साल में मैंने आपको बताया, पिछले 4 साल में प्रधान ने, हमने उस प्रधान को भी ऑफर किया था कि इस पे एक प्रोजेक्ट बना करके और इसकी पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए, लेकिन उन्होंने किसी का सहयोग नहीं किया, ना उन्होंने हमारे जो बात तो उस गंभीरता से लिया, उन्होंने किया ही नहीं। अब उस प्रधान के साथ जो वर्तमान प्रधान है उसके साथ हम उसको समस्या को दूर करा रहे हैं। लेकिन सर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें गांव वाले खुद कह रहे हैं कि भैया विधायक साहब 4 साल से तो दिखे नहीं, अब आ गए हैं तो उनको दौड़ा दिया गया है। आप एक भी आप उसको देखिए, सुनवा देते हैं। अच्छा चलिए कमल जी, ठीक है कमल जी, देखिए मेरे लिए तो आपकी भी बात उतनी महत्वपूर्ण है, गांव वालों की भी बात इतनी महत्वपूर्ण है, आप जरा रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर, सर रहिए हमारे साथ, हम वो बात जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को, मैं फिर लौटती हूँ आपके पास। जी जी, देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी मर चल रहे हैं, क्या करें बिचारों ने कार्य कर्म नहीं करवाया। देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी मर चल रहे हैं, क्या करें बिचारों ने कार्य कर्म नहीं करवाया। देखिए कमल जी, ये दरअसल हमारी तरफ से बनाया गया वीडियो नहीं है, ये गांव वालों ने वीडियो बनाया है और उसी में आवाज आपने सुनी होगी। कमल जी सुन पा रहे हैं आप आवाज मेरी? कमल मलिक आप सुन पा रहे हैं कि आवाज मेरी? चलिए अपनी टीम से मैं दरख्वास्त करूंगी कि एक दफा फिर से कमल मलिक जी को जोड़ने का प्रयास किया जाए। कमल मलिक जो कि हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से विधायक हैं, हम प्रयास लगातार कर रहे हैं कि इस पर उनसे जवाब लिया जाए कि भाई देखिए इस अंदाज में ये गांव वालों ने वीडियो बनाया है। विधायक साहब का हालांकि कहना कुछ और है, देखिए बहुत ही दिलचस्प तथ्य के साथ और तर्क के साथ वो सामने आए, और दिलचस्प तथ्य क्या है कि भैया देवालय सामने था और मैं चाहता था कि मैं इस सड़क को देखूं कि कहां तक पानी भरा हुआ है और मैं देवालय तक पहुंचना चाहता था। मोहम्मद ताहिर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लें। ताहिर आपने सुना होगा कमल मलिक ने क्या कहा, मुझे दोनों स्थितियों से जरा वाकिफ कराएं, आप दोनों स्थितियों से रूबरू कराएं कि असलियत क्या वो है जो कमल मलिक कह रहे हैं, टीवी पर कह रहे हैं,
जी सही बात, ये गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र का नानई गांव है, जहां परसों विधायक बताया जा रहा है जो ग्रामीणों का वहां कहना है कि 4 साल बाद पहुंचे थे पहली बार, जिसका लोगों ने काफी विरोध भी किया। मोहम्मद ताहिर, ठीक है मोहम्मद ताहिर, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन कमल मलिक एक बार फिर से आ गए हमारे साथ। कमल मलिक, मुझे लगता है कि शायद जन प्रतिनिधियों को थोड़ा सा संजीदगी से अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद ताहिर मेरे सहयोगी हैं न्यूज वन इंडिया में, वो रिपोर्ट करते हैं बाकायदा, उन्होंने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट की है मेरे पास, उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने लोगों से बात की, गांव वालों से बात की, और गांव वाले कह रहे हैं कि आप 4 साल बाद वहां पहुंचे थे। लोगों से संवाद नहीं है आपका, आपका अधिकारियों से संवाद होगा, आपका प्रधान से संवाद होगा जैसा आपने खुद कहा, लेकिन लोगों से संवाद आपने नहीं किया। कमल मलिक जी, सुन पा रहे हैं सर आप मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। मैंने देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मंगाई है, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उन्होंने वहां से न्यूज वन इंडिया को रिपोर्ट किया है। अब आप मुझे बताएं कि सच क्या है सर जी, क्या कहा? लोग नाराज हैं, लोग परेशान थे, लोग नाराज हैं, और लोगों ने बाकायदा वो वीडियो हम तक पहुंचाई है। पानी भरा हुआ है गाँव में तो लोग नाराज होंगे जी। नहीं, सिर्फ पानी का मसला नहीं है सर, आपकी गैर हाजिरी का भी मसला है, आपकी अनुपस्थिति का भी मसला है। अच्छा। आप तो जन प्रतिनिधि है ना, आप तो जनता के सेवक हैं, तो उस जनता से कम संवाद करना तो आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ना सर। उनसे पूछ के देखिए जिनके यहाँ है, धौलपुर में मेरा प्रशासन, मेरा विधायक आपके द्वार, एक हम लोगों ने चौपाल लगाई थी और डिक्लेयर करके हम लोगों ने 2-3 बार चौपाल लगाई, इनसे पूछ के देखो सर। उन्हीं से पूछ रहे हैं, उसी के बाद मैं प्रश्न कर रही हूं आपसे। कमल जी सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूं जी। दरअसल आपकी जो आवाज है, पहले जो बड़ी बुलंद आवाज मुझे नजर आ रही थी, आपकी आवाज की नरमी भी संकेत दे रही है सर कि आप समझ रहे हैं कि लोग नाराज हैं, आप समझ रहे हैं लोग नाराज हैं। अच्छा ये बताएं, आपने स्वयं माना सर, आपने स्वयं माना ना कि लोग नाराज हैं? नहीं नहीं, तो कोई उसका नाराज नहीं। सर आपने अभी कहा, अभी ये गांव इतना बड़ा गांव होता है, कोई किसी को नहीं मिला होगा तो वो कोई संभव नहीं है सारे गांव के एक एक व्यक्ति से साथ संवाद हो जाए। सर ये बात तो आपने अभी कही ना मेरे साथ बातचीत में, ये बात तो कही आपने कि लोग नाराज होंगे। आप बताइए, आप उसे बताइए जो है उनका बताइए, कोई एक व्यक्ति हो तो उसे बताइए। आपने स्वयं तो कहा, खुद कहा आपने कि लोग नाराज होंगे, तो आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप मान रहे हैं कि लोग नाराज हैं तो चूक कहां नहीं करेंगे? हम नहीं मानते हम नहीं मानते नाराज है। आपने कोई अभी कहा, कह सकता है कोई नहीं हो, कहीं गया हो, और हम हर जगह अपने किसी के कोई दुख का समाचार होता है, सुख का समाचार होता है, सब में जाने का काम करते। आपने अभी कहा कि लोग नाराज तो होंगे ही? नहीं मैंने तो नहीं कहा। सर क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहा है कि कोई व्यक्ति नहीं मिला हो, अब वो नाराज हो तो उससे क्या, हम क्या कर सकते हैं? वो कोई बाहर रहता हो, उसकी कोई इस तरीके का हमसे संवाद ना हो, और वो कहे कि मैं तो गढ़ में ही रहता हूँ, मैं सुनवा दूं आपको सर, मेरा निवास है, मैं सुनवा देती हूँ आपको। आपने कहा कि यार लोग तो नाराज होंगे ही, ठीक यही आपने लाइन बोली है। आपको नहीं लगता कि कोई तो चूक हुई होगी ना, कोई तो चूक हुई होगी? मोल्ड कर रहे हैं, नहीं हमारे तो कोई चूक नहीं होती। अच्छा आपसे कोई चूक नहीं हो सकती? ना ना, हम नहीं करते चूक, हम सारी जनता हमारे लिए एक है, सबके लिए काम करते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबके विकास के लिए काम करती है, हर उस अगड़े पिछड़े हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं होता, पूर्व की सरकार में रहा। लोग खुश होते आपसे सर, लोग खुश होते आपसे, लोग अगर आपसे खुश होते, प्रसन्न होते, तो आपके पीछे से ऐसी मुखालफत की नारेबाजी नहीं हो रही होती? नहीं कोई नहीं करता हमारे साथ, कोई किनारेबाजी नहीं है। वीडियो में तुमने देख लिया होगा जो हमारी पहली वीडियो देखी होगी, मैं स्वयं उसकी पिक्चर बनवा रहा हूँ। एक पत्रकारिता के नाते मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि आप जो किसी को मैनुपुलेट करके चीजें कहलवा लेना, उससे कुछ नहीं होता, कोई ना कोई मिल जाता है, ऐसे नहीं होता कुछ भी। आपने अभी देखिए बहुत ही ये तमाम चीजें कमल जी जनता सुन रही है और जनता की अदालत में सारी चीजें जा रही है। पहले आपने कहा कि आपने खुद वीडियो बनवाया, नहीं आप मुझे देखिए कोई आरोप नहीं लगा सकता, आपने पहले खुद कहा नहीं लगा सकता क्या मैंने कहीं किसी के साथ पक्षपात किया हो? आपने पहले खुद कहा कि ये वीडियो आपने खुद बनवाई, अब आप कह रहे हैं कि वीडियो मैनिपुलेटेड है,
एटलीस्ट हाफ मंथ सर, एक एक स्टैंड पे रहिए ना। मोहम्मद ताहिर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद ताहिर मेरे सहयोगी सर, रहिएगा मेरे साथ फोन लाइन पर। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ फोन लाइन पर रहें ताकि आपके प्रदेश की जनता, आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सुन पाए। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि वीडियो आपने बनवाई, अब आप कह रहे हैं वीडियो मैनिपुलेटेड है। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि लोग तो नाराज होंगे ही, अब आप कह रहे हैं कि आपसे कोई चूक नहीं हो सकती। वाकई बहुत उलझा हुआ मामला नजर आ रहा है। मोहम्मद ताहिर, कमल मलिक हमारे साथ हैं, विधायक हैं हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर से। ताहिर साहब जी, ये दो दिन पुरानी वीडियो है। परसों कमल मलिक जो है एक गांव है गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा का नानी, वहां गए थे और वहां जो हालात थे वो बदते बदतर थे। लोग कीचड़ में रहने को मजबूर थे और पानी वहां भरा हुआ था, जिसको लेकर विधायक से लोगों ने शिकायत भी की और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। और जो वहां के लोग हैं, लोगों का कहना है कि 4 साल में विधायक पहली बार आए हैं, उससे पहले विधायक यहाँ कभी नहीं दिखाई दिए, जिसके बाद लोगों का विरोध शुरू हुआ। हालांकि लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि यहाँ पे जो एक व्यक्ति है उसने विधायक जी को पानी में जो है वहां घुमाया और जो कीचड़ है उसे उसको रूबरू कराया कि किस तरह लोग यहाँ जीवन बिता रहे हैं और किस तरह यहाँ जीने को मजबूर है। कहीं ना कहीं विकास जो है उस गांव में दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को। ताहिर, लेकिन कमल साहब कह रहे हैं, कमल मलिक साहब कह रहे हैं कि आगे देवालय था, वो देवालय के दर्शन करना चाहते थे, सावन का महीना चल रहा है, इसीलिए उन्होंने उस सड़क को चुना जिस पर लबालब कीचड़ भरा हुआ था। जी, अगर ऐसी बात होती तो और लोग भी साथ जाते, और जो एक विधायक है एक आईना होते हैं लोगों के लिए, एक नजीर होते हैं, जिनको देखकर जो और लोग भी थे वो भी देवालय के लिए नंगे पैर ही जाते, उसी पानी में से निकल के जाते। और विधायक जी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग विधायक को पकड़कर एक पानी में ले जा रहे हैं और वापस ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विधायक की बात है उस प्रसंग की जो है पलकता। यही सवाल ताहिर मैं पूछ रही हूं कमल मलिक साहब से। कमल जी, अंतिम रिएक्शन कोई देना चाहेंगे? ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है मेरे पास। मेरी अंतिम रिएक्शन यही है, मेरी पदयात्रा थी और मैं वहां देवालय जा रहा था, वहां काम पहले नहीं हुआ, पूर्व प्रधान ने वहां काम नहीं कराया, मैं स्वयं वहां से निकला, स्वयं मैंने ये वीडियो बनवाया, ठीक है, यही मेरा अंतिम है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। जनता की अदालत में आपकी बातें हैं। 2022 का चुनाव बेहद नजदीक है। सर, मैं आपसे फिर मुखातिब होंगी, फिर पूछूंगी आपसे सवाल, लेकिन शायद गलती मान लेने से व्यक्ति छोटा नहीं होता। बहुत शुक्रिया कमल मलिक साहब, समय आपने दिया न्यूज वन इंडिया को, तमाम चीजें आपने अपने पक्ष की रखी, और मोहम्मद ताहिर आपका भी बहुत शुक्रिया। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अमेठी से खबर है, बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सतीश मिश्रा ने बीजेपी को ब्राह्मणों का हत्यारा तक बताया और ये उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ब्राह्मणों की चुन चुन कर हत्या की है। आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पर गाड़ी रोको, नाम पूछो और अगर ब्राह्मण निकले तो गोली मार दो के आदेश है।